हरियाणा के कुरुक्षेत्र में संचालित मनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से पूरे भारत में दहेज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक देश में सैकड़ों शादियां बिना किसी खर्चे के और बिना किसी दहेज के करवाई जा चुकी है। इसी क्रम में झुंझुनू में भी आज 3 जोड़ों की शादी बिना दहेज, बिना कोई तामझाम, बिना कोई शोर शराबे के सादगी के साथ करवाई गई। खास बात यह रही कि महज 17 मिनट में सत्संग वाणी के दरमियान ही ये तीनों जोड़े एक दूसरे के बंधन में बंध गए और एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लिया। ट्रस्ट के प्रतिनिधि राजेंद्र दास ने बताया कि संत रामपाल महाराज के दिशा निर्देशन में झुंझुनू में अब तक इस अभियान के तहत 25 शादियां करवाई जा चुकी है। समाज में दहेज और शादियों पर खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खंडेला सीकर के आभावास गांव के उम्मेद की शादी सैनीपुरा उदयपुरवाटी की सजना के साथ, अजमेर जिले के बिनाय तहसील के बांधनवाड़ा गांव के सावरमल की शादी भारू का बास मलसिसर निवासी ज्योति के साथ, तथा पुरोहितों का बास तनबाय नवलगढ़ के चंद्र प्रकाश की शादी भारू का बास मलसिसर की वंदना के साथ करवाई गई है। तीनों जोड़ों ने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लिया है और इस सादगी भरी दहेज मुक्त शादी के बाद काफी खुश दिखाई दिए। आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हुआ। इस सत्संग के आयोजन में 3 जोड़ों का दहेज रहित विवाह जो मात्र 17 मिनट में संपन्न हुआ, मोनिंदर धर्मार ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 3 जोड़ों का पूर्णतया दहेज रहित विवाह हुआ है। ये ट्रस्ट अनेकों शादियां करवा चुका है। हमारे क्षेत्र जिला झुंझुनू के क्षेत्र में लगभग ये 25वीं शादी है जो कि पूर्णतया दहेज रहित है और दहेज भारत दहेज मुक्त भारत अभियान के तहत ये मुनिंदर धार्मिक ट्रस्टार्थ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगभग 25 जोड़ों की शादियां पहले हो चुकी हैं। आज 3 जोड़ों की शादी जो हुई है वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के दौरान ही आयोजित की गई हैं जो कि पूर्णतया दहेज रहित हैं। मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी के बाद उच्चारण के बाद ये शादियां संपन्न हुई हैं।